आज क्राफ्टेड किचन में बन रहा है सूजी का हलवा। सूजी के हलवे के साथ मेरी बहुत सी बचपन की यादें जुड़ी हैं। मुझे याद है, मैं छोटी थी, मैं छुप छुप करके सूजी का हलवा बनाती थी और अपनी माँ को देती थी। वो बहुत ही खुश होती थी और बोलती थी ये हलवा लाजवाब है। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हाँ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, नहीं तो आने वाली वीडियोज़ आप मिस करेंगे। चलिए माँ की यादों के साथ शुरू करते हैं आज सूजी का हलवा पकाना। इससे पहले हम थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लेते हैं तो हमारा कुकिंग प्रोसेस इजी हो जाएगा। सूजी का हलवा वैसे तो बनाना इजी है, मगर मेजरमेंट सही ना हो तो ये थोड़ा ट्रिकी भी हो सकता है। मैं ले रही हूँ 1 कप सूजी का। मार्केट में 2 तरह के सूजी आते हैं, बारीक और मोटा। हलवा बनाने के लिए मोटा सूजी लेना ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। मीठे के लिए शक्कर मैं ले रही हूँ 1 कप और 1/4 कप। अगर आपको मीठा कम पसंद है तो 1 कप शक्कर डालें, लेकिन आइडियल मेजरमेंट है 1 कप और साथ में 1/4 कप और डालें। अब हम लेंगे 1 कप प्योर देसी घी का। आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्योर घी में बने हलवे की बात ही अलग है। तो तैयार है हमारे 3 मेन इंग्रेडिएंट्स इस हलवे के। ड्राई फ्रूट्स हलवे को और भी मज़ेदार बनाते हैं। मैं ले रही हूँ 1/4 कप काजू, 1/4 कप बादाम, साथ ही ले रही हूँ कुछ सूखे नारियल के स्लाइसेस, जिसे मैं छोटे टुकड़े में तोड़ लूँगी। ड्राई फ्रूट्स के बिना भी हलवा बनेगा, लेकिन अगर आपके पास हैं तो अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स ज़रूर डालें। 1/4 कप किशमिश, मैंने गर्म पानी में पिस्ता डाल के उसके छिलके को उतार लिया है और अब मैं काट लूँगी इसको एक छोटे छोटे स्लाइसेस में। आगे के प्रोसेस में हम ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करेंगे, लेकिन किशमिश और पिस्ता को नहीं करेंगे। 2 टेबलस्पून हम बेसन लेंगे, जो हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। इसे आप बिल्कुल स्किप मत करें, ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट मेरी माँ की टिप है। तो देखा आपने फटाफट कैसे हमने सारे इंग्रेडिएंट्स मेजरमेंट के हिसाब से तैयार कर लिए हैं। सूजी, शुगर, घी। यहाँ मैंने मेजरमेंट के लिए 1 कप रखा है, जिसे मैं आपको बाद में बताऊँगी क्या करना है। हमारे ड्राई फ्रूट्स तैयार हैं, बेसन, रेजन्स, पिस्ताशियो। इस रेसिपी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये हलवा सिर्फ एक ही पैन में बनेगा, तो अलग से चाशनी बनाने का झंझट नहीं। एक हैवी बेस्ड पैन को हीट कर लेंगे और उसमें मिलाएंगे देसी घी। घी मेल्ट होने के बाद ड्राई फ्रूट्स को लो हीट पे फ्राई करेंगे, जब तक कि वो लाइट गोल्डन हो जाए। ध्यान रखें ड्राई फ्रूट्स जलने नहीं चाहिए, तो लो हीट पर ही फ्राई करें। नट्स में हल्का सा कलर आ गया है और अब हम इसे निकाल करके अलग साइड में रख देंगे। स्टेप में उसी गर्म घी में हम सूजी फ्राई करेंगे। सूजी को भी हमें लो हीट पे फ्राई करना है। सूजी को फ्राई करने का हमारा मकसद है उसमें से एक अच्छी सी खुशबू आए और उसका कलर लाइट गोल्डन हो जाए। इस स्टेप को बहुत केयरफुली करें, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन सूजी बिल्कुल जलनी नहीं चाहिए। 5 से 6 मिनट बाद हम मिलाएंगे इसमें 2 टेबलस्पून बेसन के। 4 से 5 हरी इलायची को कूट लें। आप इलायची का पाउडर भी ले सकते हैं, मगर इस तरह से खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसे भी मिला देंगे। बेसन को भी सूजी के साथ फ्राई कर लेंगे। इस पूरे फ्राइंग प्रोसेस में मुझे तकरीबन लगे हैं 8 से 9 मिनट और हीट अभी भी लो पे है। आगे के स्टेप्स में हलवे का कलर और भी खूबसूरत होगा। 1 कप सूजी के लिए हमें 3 गुना पानी चाहिए। यहाँ मैं ले रही हूँ 3 कप पानी, जिसे मैं केटल में बॉईल कर ले रही हूँ। आप नॉर्मल टेम्परेचर का भी पानी ले सकते हैं, मगर बॉइलिंग वाटर से कुकिंग प्रोसेस जल्दी हो जाता है। कलर और फ्लेवर के लिए मैं ले रही हूँ 1 पिंच सैफरन यानी ज़ाफ़रान, और इसमें मिला रही हूँ तकरीबन 1 टेबलस्पून केवड़ा वाटर। ये ऑप्शनल है, दोनों आपकी मर्ज़ी, तो आप डालें। सूजी भुन गई है और हमें यही कलर अचीव करना था। केवड़ा वाटर और ज़ाफ़रान हम इसमें मिला देंगे और साथ ही मिला देंगे
3 कप्स ऑफ बॉइलिंग वाटर। इस स्टेप को आप बहुत ही कॉशियसली करें। पानी डालते ही सूजी में बबल बनने लगते हैं और इसके छींटे आप पे पड़ सकते हैं, तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल, स्पेशली अगर आप बिगनर हैं तो बहुत ध्यान रखें। सूजी को हम मिक्स कर लेंगे और जो हमने ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए थे उसमें से आधा ड्राई फ्रूट्स हम ऐड कर देंगे, आधा हम बाद में गार्निश करने के लिए रख देंगे। किशमिश भी ऐड कर देंगे और अब लिड से कवर करके हम तकरीबन 3 मिनट लो हीट पे पका लेंगे। 3 मिनट के बाद सूजी ने सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है और इसका टेक्सचर देख लें। हलवे का टेक्सचर तो बहुत अच्छा आ गया है, लेकिन कलर में अभी थोड़ी सी कमी है। आगे बताती हूँ कलर कैसे खूबसूरत होगा। बस लास्ट स्टेप है, इसमें हम डालेंगे शक्कर और शक्कर के डालते ही इसे हम मीडियम हीट पे कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शक्कर के डिसॉल्व होने के बाद हलवे का कलर इन्हांस हो जाएगा। हीट को ऑफ कर देंगे, हलवे की यही कंसिस्टेंसी रखें। ध्यान रहे ठंडा होने पे हलवा ठीक हो जाता है। हमारा सुपर इजी, खुशबूदार, परफेक्ट कलर और टेक्सचर वाला सूजी का हलवा तैयार है। इसे सर्व करें गरम गरम। बचे हुए ड्राई फ्रूट्स और पिस्ता से इसे गार्निश करें। इस इजी और बिगनर रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक ज़रूर लिखें। क्राफ्टेड किचन के साथ जुड़े रहें, मुझे सपोर्ट करें। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया और जल्दी हाजिर होंगी एक नए वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें।